श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे हमारे उंगली पर, ये जो हमारी उंगली की भौंर है, इस पे शंख के निशान हैं। और ये शंख के निशान किसी को भी राजा बना सकती है, तो किसी को भी रंक बना सकती है। उंगलियों के पहले पोर पर या किसी भी पोर पर, ये जो पोर है, इस पोर पर या तो शंख ऐसा होता है, नहीं तो शंख ऐसा होता है, या तो बाईं ओर घुमी होती है, नहीं तो फिर दाईं ओर घुमी होती है। इंग्लिश में से लेफ्ट वर्ल या फिर राइट वर्ल कहते हैं, और दोनों ही सामान्य रूप से कार्य करती है। अभी किसी भी महिला या पुरुष के किसी एक उंगली पर एक ही शंख हो दसों में से, तो उसका क्या फल होता है कि ऐसे लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और बाद में बड़े पदों पर आसीन होते हैं। अक्सर ऐसे लोग सरकारी नौकरी में बहुत ऊंचे पोस्ट पर होते हैं और राजनीति से जुड़े होते हैं। किसी किसी के हाथों में 10 में से 2 उंगलियों पर शंख होते हैं। आपको लग सकता है कि भैया एक शंख वाले अगर इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए, तो भाई एक से ज़्यादा शंख होने पर तो मतलब दूसरा डबल तरक्की मिलेगी, डबल ऊंचाइयाँ मिलेंगी। लेकिन हकीकत ऐसी बात नहीं है। 2 उंगलियों वाले जो शंख होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनका जो जीवन होता है वो बड़ा ही संघर्षपूर्ण होता है। ऐसे लोग के हर काम में अड़चन आती है और ये बहुत अधिक प्रयास करने के बाद ही कोई काम पूरा कर पाते हैं या फिर सफलता पाते हैं। जो बार बार की मुश्किलों से परेशान नहीं होते हैं, वे एक संतोषप्रद जीवन पाने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये हालातों से निराश होकर अवसाद के शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में पूरा जीवन किसी और पर निर्भर रहकर गुजारते हैं। अब आते हैं 3 शंख वाले, 10 में से जिनके 3 उंगलियों पर शंख, जिनकी 3 उंगलियों पर शंख का निशान हो, तो ऐसे लोग लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं और हर प्रकार की सुविधाएं पाना चाहते हैं। ऐसे लोग अपनी भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च भी करते हैं, महंगी गाड़ियों से लेकर रिहायशी घर और गैजेट्स तक, हर जगह वो महंगी चीज़ें ही पसंद करते हैं। ऐसे लोग अधिकांशतः सेक्रेटरी, कलर, पीआरओ जैसे कैरियर में देखे जाते हैं। उसके बाद 4 शंख वाले, जिनकी उंगलियों में 4 शंख हैं, 10 में से 4, वे किसी राजा के समान जीवन जीते हैं। समाज में इन्हें सम्मान भी बहुत मिलता है। कह सकते हैं कि किसी ऐसे क्षेत्र में होते हैं जिससे इन्हें ख्याति भी मिलती है और धन भी मिलती है। ये अक्सर मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, या खुद का बहुत बड़ा व्यापार स्थापित करते हैं। उसके बाद जिनके उंगलियों में 5 शंख होते हैं, 10 में से 5, तो 5 उंगलियों पर शंख का निशान रखने वाले जातक अद्वितीय प्रतिभावान होते हैं। ये अपनी सोच से समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं। ये अपने कार्यों से देश विदेश में जाने जाते हैं। उसके बाद 6 शंख वाले, मतलब 10 में से 6, जिस भी जातक के हाथों की उंगलियों पर 6 शंख हो, वे अद्भुत मस्तिष्क क्षमता वाले होते हैं, बुद्धि और विचारों वाले होते हैं। ऐसे लोग अक्सर उपदेशक, संत, वैज्ञानिक आदि होते हैं। इनके विचार और कार्य समाज को एक नई दिशा देते हैं, ये इनकी खासियत होती है। फिर 10 में से जिनकी उंगलियों में 7 शंख, तो हाथों की 7 उंगलियों पर शंख होना व्यक्ति की गरीबी और दुखी जीवन की ओर संकेत करता है। ऐसे स्त्री या पुरुष हमेशा पैसों की तंगी के शिकार होते हैं और इस कारण इन्हें कई नुकसान उठाने पड़ते हैं। शादी के बाद इनकी लाइफ और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। उसके बाद है 8 शंख। 8 उंगलियों में शंख वाले व्यक्ति वैसे तो बहुत खास जीवन तो नहीं जीते हैं, लेकिन इतना अवश्य होता है कि मेहनत ही होती है। अपनी मेहनत के बूते ही जीवन में वो सब कुछ पाते हैं जो पाना चाहते हैं। ये जातक अपने रिश्तों से भी लाभ पाते हैं और कई बार तो इनके संबंध भी इन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं और ये बहुत जल्द फिर सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। उसके बाद 9 शंख भी होते हैं बहुत लोग को, 10 में से 9 उंगलियों में शंख होते हैं। तो हाथों की 9 उंगलियों में शंख का होना जातकों में स्त्रोचित गुणों की अधिकता दिखाती है।
ऐसी महिलाएं जहां परंपरागत महिलाओं वाली सोच की होती है, वहीं ऐसे पुरुषों को महिलाओं का बहुत अधिक सहयोग मिलता है। 40 की उम्र के बाद इनका अच्छा वक्त शुरू होता है और उसके बाद ये लाइफ में कुछ विशेष कर पाते हैं। अब बहुत लोग को 10 के 10 उंगलियों में शंख होता है, तो लोगों को लग सकता है कि यार जिसके सभी उंगलियों में शंख हो तो बहुत महान होगा, पर हर तरह का शास्त्र के अनुसार इनमें महानता जैसी कोई बात नहीं होती, लेकिन ये बहुत सम्मानित और सुखी जीवन देते हैं। ये दसों में अगर शंख है तो ऐसे लोग जो होते हैं प्रशासनिक कार्य जैसे IAS IPS सचिवालय यदि सरकारी क्षेत्रों में अपना करियर बनाते हैं, जहाँ पद प्रतिष्ठा के साथ इन्हें धन भी मिलता है। किंतु ऐसे जातकों को 45 वर्ष की अवस्था में कोई बड़ा आघात या स्वास्थ्य परेशानी होती है जो इनके लिए बहुत ही कष्टदायक होता है। बहुत लोग यहाँ पे हथेलियों पे शंख होता है। हथेली पर शंख का निशान होने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने जीवन बहुत यात्राएं करेगा और विदेश यात्राएं भी जरूर लगेगा। संभव है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यापार से जुड़े जिसके लिए उसे लगातार देश विदेश की यात्राएं करनी पड़ी। ये व्यापार में सफल भी होते हैं। हथेली पर शंख का होना व्यक्ति के आध्यात्मिक होने का प्रतीक है। ऐसे लोग अक्सर धर्म और समाज सुधार में विशेष रूप से रुचि लेते देखे हैं। अगर हथेली की अन्य रेखाएं व्यक्ति के धार्मिक या आध्यात्मिक रूप का सपोर्ट कर रही हैं, तो ऐसे लोग संत भी बन जाते हैं या गृहस्थ जीवन में रहने के बावजूद संत के समान रहते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।